जिले में विगत दिवस शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को जहां पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को एक दिवसीय भ्रमण पर रायसेन जिले में सांची स्थित विश्व धरोहर बौद्ध स्तूप पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत का भारतीय संस्कृति के अनुरूप तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बौद्ध स्तूपों सहित अन्य धरोहरों को देखा और उनकी सुंदरता बनावट शैली देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बौद्ध स्तूपों के साथ ही यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य ने भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा भगवान बौद्ध की शिक्षाओं और सम्राट अशोक के संदेशों से अवगत कराया। उन्हें सांची स्तूपों की बनावट शैली और उनके ऐतिहासिक और पुरातत्विक महत्व के बारे में अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जा रहा है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे, क्षेत्रीय निदेशक भुवन विक्रम, अधीक्षण पुरातत्वविद मनोज कुर्मी, सहायक पुरातत्वविद MC जोशी और सांची स्तूप प्रभारी संदीप महतो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस सांची के स्तूप पर आकर के मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारत की संपत्ति, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का ऐश्वर्य और भारत का विकास पूरे विश्व भर के लिए एक आकर्षण का केंद्र था, एक कौतूहल का केंद्र था। हजारों सालों तक भारत को देखने के लिए, भारत को जानने समझने के लिए, भारत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारत से व्यापार व्यवसाय करने के लिए पूरी दुनिया भर से लोगों का आना होता था। यहाँ आकर के निश्चित रूप से इस गर्व की अनुभूति हो सकती है कि हमारा जो इतिहास कहीं हमारी पुस्तकों में लिखा दबा रखा है वो कितना गरिमामय था। हालांकि इन सब थाती के चलते हुए भारत को कीमत चुकानी पड़ी, भारत पे आक्रांताओं ने हमला किया, भारत को लूटा गया, भारत को गुलाम बनाया गया। लेकिन आज एक बार फिर आज़ादी के 75 साल पूरे करने के साथ ही भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है जब पूरे विश्व भर का आकर्षण भारत के प्रति एक बार फिर वापस बढ़ने लगा है। भारत की प्रगति, भारत का विकास, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत का जीवन के विभिन्न पक्षों में विकास, ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न विधाओं में भारत की प्रगति और गति अब एक बार फिर पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। ऐसे में भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। भारत जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है और भारत में इस आर्थिक प्रगति के चलते हुए हमारे मध्यम वर्ग का साइज जिस तरह से बढ़ रहा है, भारत में दुनिया का सबसे तेज गति से पर्यटन जो है वो विकसित होगा, ये अब निश्चित हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें और विशेष रूप से मैं मध्य प्रदेश में खड़े होकर के कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार जिम्मेदारी से इन सब पर्यटन की संभावनाओं के दोहन के लिए काम कर रही है।